Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Computer World BJ. You are watching Computer World BJ. I am Badruddin. इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू विंडोज़. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. एक शोर हो जाए. कलम मेरे हाथ में होता है और मुझसे लिखवाता है कोई और ही कोयल. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. तो लेट्स मूव. आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पढ़ेंगे. व्हेन रेफरिंग टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं. विंडोज इज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज एक सा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट से क्रिएट किया जाता है. डेट प्रोवाइड्स इन इंटरफेस नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसको कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, जो हम इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोवाइड करता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर कंप्यूटर्स. आपके कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप, नोटबुक, ETC. तो हम क्या पढ़ा, विंडोज़ क्या करता है? इसको हम प्रोवाइड करता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. विंडोज़ एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ यूज़र टू टाइप ईच कमांड इट कमांड लाइन. विंडोज़ क्या करता है, इसकी जो यूज़र को कमांड के लिए नीड होती है उसको एक कमांड प्रोवाइड करता है, लाइक MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय यूजिंग माउस, माउस को इस्तेमाल के ज़रिए. टू नेविगेट थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स, बटन, टैब. विंडोज़ में क्या होता है, जब हम उसको माउस इस्तेमाल करके उसमें फंक्शन में जाते हैं तो हमको ये प्रोवाइड करता है मेन्यू, डायल बॉक्स, बटन, टैब, आइकॉन्स. ठीक है, तो ये मेरा पार्ट इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ फर्स्ट था. तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं. मेरे चैनल पे साथ रहना, इंशाल्लाह आप इंजॉय करोगे. तो बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन रीड करते हैं. डेवलपर कौन है इसका, विंडोज़ का? माइक्रोसॉफ्ट है. इंटेल रिलीज, शुरुआती में ये विंडोज़ कब रिलीज़ हुई? 1990 में ये इसका रिलीज़ हुआ है विंडोज़ का. शुरुआत मतलब जिसको स्टार्टिंग में ये विंडोज़ रिलीज़ हुई आलमोस्ट 24 के बाद. स्टेबल रिलीज 2010, 40, 60, 23, 1000 SPI, जून 28, 2011. डेवलपमेंट स्टेटस एक्टिव, रिटन इन सी लैंग्वेज. ये सी लैंग्वेज में लिखा जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. अवेलेबल इन आवर 35 लैंग्वेज, इसमें 35 लैंग्वेज हैं. टाइप कौन है, कौन सा है? टाइप ऑफिस सूट है. तो आज हमने क्या पढ़ा, विंडोज़ ऐसा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जो आप माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए क्रिएट किया जाता है और वो प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसमें हम लैपटॉप में भी GUI होता है और लैपटॉप, नोटबुक, विंडोज़ क्या करता है, हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो किसको हम कहते हैं कमांड में हम माउस के थ्रू मेन्यू, डायलॉग बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं, बटन को या आइकॉन को. तो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट हमने पढ़ा, इसकी डेवलपर कौन है. ठीक है, तो इसका शुरुआती विंडोज़ कब रिलीज़ हुई, ये सारा कुछ हमने पढ़ा. लैंग्वेज 35 हम इसमें लैंग्वेज होती हैं, ये C++ में रिटन होता है. तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा टॉपिक आपको समझ आया होगा कि
मैं डियर व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है और मैं आगे आगे 8-9 पार्ट्स आपको सिखाऊंगा। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। और मैं डियर व्यूवर्स ये आपको बताता चलूँ कि 7 दिन में, हफ्ते के 7 दिन है, इसमें 3 दिन आपको स्टडी करवाऊंगा और फिर मैं अपने काम पे चले जाऊंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखना और पाकिस्तान जिंदाबाद।